2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 2.5 साल का लंबा वक्त बचा हो, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली की कार्यकारिणी से मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने तय किया है कि जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई थी, वहां अभी से कार्यकर्ताओं की टीम काम करना शुरू करेगी। इन टीमों को एक एक साल तक काम करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की गई है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी की इस तैयारी का मकसद उन सीटों पर काम करना है जहां बीजेपी की पकड़ कम है, और जिन सीटों पर पार्टी को जीत नहीं मिली है वहां अगली बार जीत हासिल हो सके, ताकि जिन सीटों पर अभी सांसद हैं अगर वहां एंटी इनकम्बेंसी का असर हो तो उसकी भरपाई दूसरी सीटों से की जा सके। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष में यह फैसला किया गया है कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए समय दान करें। इसके तहत अपना समय दान देने वाले 1,60,000 वर्करों को 15 दिन का वक्त देना होगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को बूथ पर जाकर काम करना होगा। ये वर्कर उस बूथ एरिया में 15 दिन तक नियमित तौर पर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे। इसके अलावा 6 महीने का समय दान देने वाले कार्यकर्ताओं को उन क्षेत्रों में भेजा जाएगा जहाँ बीजेपी का आधार बेहद कमजोर है। मसलन ऐसे राज्य जहां बीजेपी को मजबूत नहीं माना जाता, ऐसे राज्यों में जाकर ये 2000 कार्यकर्ता 6 महीने तक रहेंगे और वहां की परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी के लिए कार्य करेंगे।